बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आई एम अ मैथ्स टीचर। इट्स अवर सेवेंथ लेक्चर। टुडे अवर टॉपिक इज डेसिमल एंड परसेंटेजेस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 4B। टुडे इज मंडे 7 दिसंबर 2020। स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 77। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई, यहाँ पर है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन विद डेसिमल, डेसिमल पॉइंट। वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने की हुई है, अब देखिए डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने मल्टीप्लाई करने हैं। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 2 लगेगा 1 कैरी, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ आएगा पॉइंट के नीचे, 3 2 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 7.2 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ए। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट एच देखें आप, यहाँ पर 0.998 मल्टीप्लाई बाई 15, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3। इट मीन्स कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 थी, 1 डेसिमल प्लेसेस था, 1 डेसिमल प्लेस था ये, अब ये 3 डेसिमल प्लेस है। आप इसको देखें हम कैसे करेंगे, 0.998 मल्टीप्लाई बाई 15, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 8 40, 0 लगेगा, 4 ऊपर कैरी चला जाएगा। आप देखें 5 9 45, 45 में 4 को प्लस करेंगे हमारे पास 49 आ जाएगा, 9 लगेगा यहाँ पर, 4 कैरी आ जाएगा। आप देखें अगेन 45 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, 9 यहाँ पर लगेगा, 4 ऊपर आ जाएगा कैरी। आप देखें 5 0 से 0 होते हैं, यहाँ पर 4 है, ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू डिजिट्स हैं, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते होते हैं, बट यहाँ पर हम जीरो का साइन लगा देंगे। ठीक है, आप 1 को 8 के साथ 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 8 से 8, 1 9 से 9, 1 9 से 9, 1 0 से 0, वो हम नहीं लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें 0 एज इट इज़ आएगा, 0 0 से 0, अब इसे हम नहीं लिखेंगे। अब देखें 9 और 8 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17, 7 लगा, 1 कैरी। आप देखिए 9 9 ज़र 18, 18 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19, 9 लगा, 1 कैरी। 9 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, 13 में ऊपर वाला 1 कैरी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर हम नीचे पॉइंट लगा देंगे, 14.97 इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसका मतलब ये है कि हमने डिवीजन करना है। 13.6 डिवाइडेड बाय 4 पार्ट ए, आप देखें हम इसको अंदर रखेंगे छोटी वैल्यू को बाहर, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 होते हैं, 3 ऊपर लगेगा, 12 यहाँ पर, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, डेसिमल पॉइंट ऊपर चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पॉइंट खत्म हो गया, अभी 6 नीचे आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 3.4 इज़ द आंसर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10 एंड 100, हमने इसको 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 10 के साथ। अब देखिए 59.6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 59.6 एज इट इज़ आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है ना, अब ये पॉइंट अगर यहाँ पर मूव हो जाए राइट साइड पर आ जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अब ये 596 बन जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब देखें हम इसको अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 100 है, 100 के पास कितने 0 हैं, 2 0, और देखें 59.6 का पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये अगेन पॉइंट आगे चला जाएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर आप कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये यहाँ पर 0 जो है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ख़त्म हो गया, 596 हो गया, अब यहाँ से फिर अगेन यहाँ पर आ गया 5960, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5960, अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई।